my dear students, this is certain correction, and this is one of the most essential phenomena in NTF GAT and rest of the other test. So one thing is quite clear: if you want to appear IELTS, is that clear? And if you want to write down, I mean, that way writing, that is essay of 250 words, again the problem is that is your grammar. So you will have to grip, I mean, that of this grammar. So now let us analyze the first question of, I mean, that of the grammar. Grammar ka pehla question karenge, to isme चार ऑप्शन है, इधर क्लियर, चार ऑप्शन है। इसमें आपने देखना है कि इन चार ऑप्शन में ए बी सी डी कहां पर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमने पिन पॉइंट करना है। ये पहला क्वेश्चन है, नो मैटर, इधर क्लियर, हाउ सेल्फ डिल्यूटेड वन में बी, ये याद रखिए, वन जो है That will help you to find out your answer. अगर one आपके mind में है, तो आगे जो अगर बस्सा आ रहा है, तो आप उसको हल करेंगे. Maybe option A, there's option B, no getting around the fact that there is no person who, option C. Can be held responsible for one's sad fate except themselves. So we have four options. इस चार ऑप्शन में हमने देखना है कि कहां पर एरर है, कहां पर प्रॉब्लम है। ये याद रखें कि ये जो चीज है जो आप कर रहे हैं, ये एक फाउंडेशन है किसी भी टेस्ट के लिए। अगर आप इसको ग्रिप कर सकते हैं तो आप हर किस्म का इम्तिहान बड़े आसानी के साथ पास कर जाएंगे। तो नाउ लेट अस एनालाइज, अब मैं आपको रूल समझा देता हूँ। इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ सेल्फ डिल्यूटेड वन, ठीक है, मे बी वन, मे बी कोई भी, यानी कि इट्स सिंगुलर, इज दैट क्लियर, इट्स सिंगुलर, इफ वन इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ठीक। अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, चार ऑप्शन है, मे बी ए, देयर बी नो गेटिंग around the fact that there is no person who, option C, can be held responsible for one's sad fate except ये बस है, ये this is the problem. अब problem क्या है, one is singular, is that clear? अगर ये singular है तो ये तो plural है, is that clear? तो ये आएगा himself, इधर क्लियर, और हर साल वगैरह वगैरह जो भी है। अब हम शिफ्ट करते हैं नंबर सेकंड, वी मूव टुवर्ड्स, आई मीन दैट ऑफ नंबर सेकंड।